थोड़ा पीछे हटिए। डॉल्फिन तो हूं नहीं, कैसे उछल कर आ जाऊंगा, इंसान हूं, थोड़ी मेहनत लगेगी। आइए आपकी मदद करती हूं। अच्छा, आपको लगता है कि आप मुझे ऊपर खींच सकती हैं? अंडरएस्टिमेट मत कीजिए मिस्टर मलिक, भूलिए मत कि हर डूबते को ना तिनके का ही सहारा होता है। बिल्कुल सही कहा तारा मैम, आप दिखती भी तिनके जैसी ही हैं। अब इससे मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है। मुझे देखिए, मैं कितना हट्टा कट्टा 6 फीट का, और आपको देखिए, शुरू होते ही खत्म, आप नहीं खींच पाएंगे। मतलब पहले ह्यूमिलिएशन और अभी बॉडी शेमिंग भी, अच्छी तरक्की कर रहे हैं आप मिस्टर मलिक, वाह। इनफ मिस्टर मलिक, अब आप मुझे अनकंफर्टेबल भी कर रहे हैं। तारा मैं अपने गीले कपड़े उतार रहा। अरे तो मैं भी हूँ ना यहाँ पर। हाँ तो आप कहीं क्यों यहाँ पर, और बुलाया किसने आपको? पर आप बाद में भी तो कर सकते हैं ना। शायद आप बड़े लोग नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोग गीले कपड़ों में बीमार हो जाते हैं, और आप यही चाहती हैं कि मैं बीमार हो जाऊं और आपको छुट्टी लेने का बहाना मिल जाए। ठीक सके, मतलब बीमार आप पड़ेंगे और छुट्टी मैं लूंगी। जी तारा मैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। बम, सुमले क्या कर रहे हैं आप? सब आपके चक्कर में हुआ है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे मतलब?